अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार कल्चर जापान, एंजॉय डे विद मी इन जापान। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़े मज़े की वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको जापान की सड़कें दिखाएंगे, द स्ट्रीट व्यूज ऑफ जापान। ये आप मेरे साइड पे देख सकते हैं, यहाँ स्टार्ट में ही अपने क्या बोलते हैं एक टनल सा लगा हुआ है, इसको बेसिकली टनल फार्मिंग कही जाती है। ये ऑफ सीजन के वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह अपना उगाने के लिए लोग इसके अंदर अपना कंट्रोल टेम्परेचर के साथ फार्मिंग करते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सड़कें थोड़ी सी छोटी हैं। जापनीज सोच ये है कि जितनी जरूरत है बस उतना ही, यहाँ पर एक गाड़ी चलने की इजाजत है, एक ही गाड़ी चलने की सड़क बनाई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्रीकल्चर लैंड अपना क्या बोलते हैं बहुत वास्ट है। यहाँ पर जापान में एग्रीकल्चर लैंड इतना ज्यादा है, हर घर वाले हर बंदे के पास अपना एग्रीकल्चर लैंड होता है। जैसे आप ये देख सकते हैं ये जो पीछे घर वाले हैं, इन्होंने यहाँ पर ऑनियंस लगाए हुए अपने खाने के लिए। तो यहाँ पर इन अपना फार्मिंग को जो है ना बड़ा, जो यहाँ के बुजुर्ग हैं वो बहुत मानते हैं और अपनी फार्मिंग खुद करना भी पसंद करते हैं। अपने लिए खुद जो है ना ये अपना जैसे कि वेजिटेबल्स लगा के तो अपने लिए खुद ही बना के तो वो खाना पसंद भी करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी सर्दियों का मौसम है तो फार्मिंग जो है वो गर्मियों का काम है। वहाँ पर काफ़ी जो जगह है ये भी अनयूज पड़ी हुई है, वो इस वजह से क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं। जैसी गर्मियाँ होंगी तो इसको ज़रूर को इंशाल्लाह करेंगे। और ये आप देख सकते हैं स्ट्रीट व्यूज में सबसे मज़ेदार आपको बात बताता चलूँ, ये जो अपने क्या होते हैं यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, ये बेसिकली ये रोड और ये वाले रोड में अपने क्या बोलते हैं बताता है डिफरेंस। इसके अंदर आप यहाँ पर खड़े होकर देखेंगे तो वहाँ से स्ट्रीट व्यू आ रहा है सारा, कि अपने क्या बोलते हैं जो भी वहाँ से आ रहा होगा कोई आपस में इंटरसेक्ट एक्सीडेंट ना हो सके। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्लियर स्ट्रीट का व्यू नजर आ रहा है। अब हम आपको ले आए हैं अपने क्या बोलते हैं जो यहाँ पर बायपास स्ट्रीट है, ये रिवर साइड स्ट्रीट कहलाती है। पहले भी आपको एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ कहते हैं, ये आप देख सकते हैं ये साथ साथ रिवर चल रहा है, उसके साथ साथ वो स्ट्रीट है। वहां से एक साइड से आ सकती है, एक गाड़ी आ सकती है और एक जा सकती है, वन वे रोड है। ये आप सारा देख सकते हैं, इसके घर भी है। ये सारा टू साइड रिवर चल रहा है और बीच में एक इंटरसेक्शन से दिया हुआ है। रिवर के साथ साथ आप देख सकते हैं काफी घर वगैरह भी मौजूद है। यहाँ पर अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो बड़े खूबसूरत खूबसूरत से घर भी बने हुए हैं। और मौसम आज धूप निकली हुई है तो बहुत अच्छा है, हवा चल रही है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सी हो रही है, एक नई बिल्डिंग बन रही है। और ये जो अपने क्या बोलते हैं आप देख सकते हैं रोड पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि आगे टर्न हो रहा है रोड ना, तो उसके लिए स्पीड स्लो करने का अपना अंदेशा दिया गया है। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे छोटा सा कर्व है, वो और भी बोर्ड्स लगे हुए हैं और वो आगे बना हुआ है टी साइन। टी साइन का मतलब है वहाँ पर रोड एंड होके टी बन जाएगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था ये अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की फार्मिंग करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये एक ऑरेंज ट्री लगाया हुआ है घर के अंदर, और ये अपने क्या बोलते हैं अपनी फार्मिंग खुद करके, अपनी ग्रोथ खुद करके फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह की, और ये खुद ही खा लेते हैं तोड़ तोड़ के। और ये आपको दिखा सकते हैं एक और स्ट्रीट, ये अंदरून वाली स्ट्रीट है ना, इसलिए ये बस पूरी पूरी होती हैं। ये आपको पीछे लेके चलते हैं, वहाँ पर हमें कुछ ग्रीनरी नज़र आ रही है, वो देखेंगे। ये देखें स्मॉल बेरीज, इतनी प्यारी बेरी बेरीज यहाँ पर। गाइज ये अपना क्या बोलते हैं हम चलते चलते एक जापनीज टेंपल की तरफ पहुँच गए हैं। ये यहाँ पर लोग जो है वो अपनी प्रेयर्स करने आते हैं, जापनीज लोग जो है ना, ये लोग बुद्धिस्ट होते हैं, ज़्यादातर क्रिश्चियंस भी हैं इनमें, अपने के बोलते मिक्स कल्चर टाइप है, लेकिन यहाँ पर बुद्धिज़्म ज़्यादा जो है प्रमोट किया जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका ये छोटा सा टेंपल है, और यहाँ पर कुछ चीज़ें बड़ी हैं। अब हमें तो उनका आइडिया नहीं है क्योंकि हम इन कल्चर को नहीं मानते, लेकिन हर हर जो है ना रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हर एक के साथ अच्छा होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं ग्रीनरी को आप अगर देखें तो हर जगह पे आपको पाई जाएगी कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है।
ये छोटी सी स्विंग लगी हुई है बच्चों के लिए, मेरे ख्याल में जब टेंपल पे बड़े आते हैं तो बच्चे जो है यहाँ पर खेलने का छोटा सा मैदान बना हुआ है, पार्क टाइप बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप। इस साफ सुथरा और कितना खूबसूरत नजर आ रहा है, व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ पर इस तरह देखिए कितने तादाद में सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं उन्होंने, कि यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। और उम्मीद जितने ये लगे हुए हैं, मुझे तो लगता है इस पूरे इलाके को ये जो है ना बिजली सप्लाई करते होंगे। यहाँ पर ग्रेवयार्ड आ गया है अपने, क्या बोलते हैं, आपको ये भी दिखाता चलूँ कि इनका ग्रेवयार्ड होता है फैमिलीज का। इनके ट्रेडिशन बिल्कुल डिफरेंट है ग्रेवयार्ड्स के हवाले से और अपना बेरिंग के हवाले से। ये लोग अपने क्या बोलते हैं, इंसान जो है वो जब मर जाता है तो ये पूरी की पूरी फैमिली इसको एक साथ ही एक ही ग्रेव में दफना देते हैं। ये पूरी पूरी फैमिलीज का एक ग्रेव होता है, जैसे ये अलग अलग नहीं करते। और ये ग्रीनरी आप लोगों को दिखाने का मकसद ज़्यादातर अपने क्या बोलते हैं ये होता है कि ग्रीनरी देख के, फ्रेश नेचर देख के अपने क्या बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है आपको, कभी भी इस चीज़ से बोर नहीं होता, इंसान हमेशा रिलैक्स हो जाता है, माइंड सेट रिलैक्स हो जाता है बंदे का। तो ये आप देख सकते हैं, वो जो टेंपल आप लोगों को मैंने दिखाया था ये उसकी एंट्रेंस है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से हम चढ़ के ऊपर जाते हुए आपको साथ साथ दिखाएंगे कि यहाँ स्टेप किस तरह है। ये देखिए एंट्रेंस की कितनी खूबसूरत है, यहाँ पर सारी ग्रीनरी से एंट्रेंस हो रही है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर आके इंसान कितना फ्रेश फील करेगा या कितना माइंड रिलैक्स हो जाएगा इंसान का। ऑब्वियसली अपने क्या बोलते हैं, हम इस कल्चर को या फिर वो नहीं मानते, लेकिन रिस्पेक्ट करना चाहिए। और आप देखिए यहाँ पर ये कितनी खूबसूरत ग्रीनरी नज़र आ रही है गाइज, यही देख के मेरा दिल जो है ना बहुत ज़्यादा सुकून में आ गया है, बहुत माइंड रिलैक्स हो गया मेरा, ये आप देख सकते हैं सारा। चलिए गाइज, आज की ब्लॉग का यहीं पर इख्तिताम होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़े की बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके मुझे बताएं आप जापान का और क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। अल्लाह।